नमस्कार, मैं हुकुमराज शेखर और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। सावन का पवन माह चल रहा है और पहली सोमवारी है। पहली सोमवारी पर हरिपुर सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। हम ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो देश के अलग अलग हिस्सों से कांवड़िया श्रद्धालु सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ गंगा तट पहुँचे हैं और यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के बाद अपने अपने कांवड़ में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा पर निकल रहे हैं। उसके बाद उत्तरवाहिनी गंगा तट का जल ये सभी बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाएंगे। कुछ कांवड़िया श्रद्धालु है करते हैं कहाँ नवादा से। भोलेनाथ पर कितनी आस्था है? बहुत आस्था है। क्या चीज करते हैं अभी? क्या पढ़ाई लिखाई? हाँ, अभी पढ़ाई लिखाई। किस क्लास में? अभी 10th में। बाबा से क्या मांगिएगा? मांगेंगे कि अच्छा नौकरी दे। अच्छा नौकरी दे। माता बम है? माता बम इसके पहले भी आप आए हैं? जी, हम यहाँ 12-13 साल से आ रहे हैं। लॉकडाउन के बीच में छूट गई थी, बाकी अभी हम लोग आए लॉकडाउन के बाद पहली बार। बाबा पर कितना भरोसा है? बाबा हमको हिम्मत बहुत देते हैं। बम बहुत हिम्मत जी, बहुत हिम्मत। हम बाबा से मांगे और हमको मिलते गया। बाबा से कुछ मन्नत मांगे होंगे तब ना लगातार जा रहे हैं। मंगत नहीं, मन्नत यही था कि बाबा हमको इतना हिम्मत दीजिए कि हम अपना तीनों बच्चे को परवरिश कर सके। हमारे हस्बैंड नहीं है तो हम अपने तीनों बच्चों को अभी परवरिश कर रहे हैं जी। एक को शादी कर चुके हैं और एक ये है और एक एक बच्ची है। दो भी एक बच्ची कुमारी है, एक बच्चा है। छोटी बहन पहली बार आई हो या इसके पहले भी आई हो? इसके पहले भी आई, इसका दूसरा बार आए। कितने दिनों में जल चढ़ाओगे? जितना दिन में चढ़ जाए। भोले पर कितना आस्था है? पूरी तरह से, जितना सबको है उतना हमको भी है। भोले बाबा से क्या मांगोगे? यही कि सब कुछ अच्छा रहे। अच्छा रहे तो इस तरह से जो कांवड़िया श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, भोले के को जल चढ़ाने के लेकर काफी उत्साहित है और उनका साफ कहना है कि भोले दानी ओघर दानी है। वो सबों की खबर रखते हैं, सबों की सभी बातें जानते हैं और उनके प्रति ये सभी काफी जल चढ़ाने को लेकर काफी उत्साहित भी दिख रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, भैया जी गजब के लिए सुल्तानगंज से।